तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरवरे आलम और यसे इलेक्ट्रिकल चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वाइल बाइंडिंग मशीन के बारे में। ये जो क्वाइल बाइंडिंग मशीन देख रहे हैं आप, ये किसान इंजीनियरिंग की तरफ से है। दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो, अगर इलेक्ट्रिशियन का थोड़ी सी भी नॉलेज हो, अगर आपका शॉप हो, अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो ये जो क्वाइल बाइंडिंग मशीन है आपके लिए बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जो किसान इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है, आप कहीं से भी हो, ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी हो, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपके ये घर पे पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो में इस मशीन की रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इसके फीचर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो पैकिंग हमारी कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ हैंडल विथ केयर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसकी पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हमारी जो मशीन है कितनी सेफ्टी से रखी गई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो साइड में हमारा थर्माकोल लगाया गया है, चारों तरफ थर्माकोल लगाया गया है जिससे कि मशीन पे इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मशीन के ऊपर देखेंगे तो पॉपअप पॉलीथीन का भी यूज किया गया है जिससे कि मशीन पे कोई स्क्रेच वगैरह ना लगे, देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, इस मशीन को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, देख सकते हैं। अब ये हमारा देख सकते हैं मेन मशीन यूनिट मिलता है यहाँ पे, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं क्या क्या सामान है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फर्मा पत्ती मिला है, देख सकते हैं दोस्तों, जो लोहे का है, बहुत ही मजबूत है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्वाइल फार्मा गुटका देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा नट बोल्ट भी साथ में दिया हुआ है लगाने के लिए, इसे किस तरह से कसेंगे, ठीक है। यहाँ पे होल भी दिया हुआ है, अच्छी तरीके से इसकी फिटिंग कर ली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे प्यारा चीज़ यह लगा है कि दोस्तों, किसान इंजीनियरिंग की तरफ से ये जो मशीन आई हुई है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे मशीन के ऊपर पन्नी का लेमिनेशन किया गया है, यानी पॉलीथीन का लेमिनेशन किया गया है। अगर आप ऑर्डर करते हैं दोस्तों, तो सेफली आपके घर पे जाएगा, आपको बिल्कुल नया दिखेगा, स्क्रेच वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे कंपनी का नंबर शो कर रहा होगा, किसी भी नंबर पे आप कॉल करके इस मशीन को ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं। ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी आप हो, आपके घर पे सेफली ये मशीन आप पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं इस क्वाइल बाइंडिंग मशीन के फीचर्स के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों, आपको एक पैडल देखने को मिल जाएगा और इसमें वायर तकरीबन 1.5 मीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस मशीन को आप चाहें तो पैर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, चाहे बारी बारी आप दोनों पैरों से आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दाब के प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये मशीन आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड को आप कम हाई कर सकते हैं, जितना पे चाहें, इस जितना स्पीड में आप चाहें उतने स्पीड में आप क्वाइल बाइंडिंग मशीन से आप बाइंडिंग कर सकते हैं इस मशीन से। ये सबसे एडवांस फीचर लगा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो तकरीबन 1.5 मीटर वायर यहाँ पे सप्लाई वाली वायर आपको मिल जाएगी, ये 6 एम्पियर की है और 6 एम्पियर का यहाँ पे प्लग भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे मशीन के ऊपर लेजर मशीन से यहाँ पे किसान इंजीनियरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे एड्रेस भी लिखा हुआ है और सारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है कंपनी का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्वाइल बाइंडिंग मशीन, ठीक है दोस्तों। तो मशीन के ऊपर कंपनी का नाम और एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मशीन का नाम, सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है दोस्तों। किसी भी नंबर पे आप कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं, यह मशीन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। बात करें और इसके फीचर के बारे में, तो अभी इसके फीचर के बारे में देखेंगे तो सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका वजन जो है बहुत ही हल्का, आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इस कोने दो हमारा नट वेल्डिंग किया हुआ है, इसे आप कहीं पे भी, यानी मेज पे भी आप नट बोल्ट की मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस मशीन में जितना हमारा बटन्स दिया हुआ है ये, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इस मशीन में हम सप्लाई देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मशीन में हमने सप्लाई दे दिया है और ये जो मशीन हमारा है, क्वाइल बाइंडिंग मशीन हमारा ऑन हो चुका है, देख सकते हैं। डिस्प्ले यहाँ पे हमारा
शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें स्टेप बाय स्टेप इसको समझने के लिए, तो ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो काउंटर मीटर है, ठीक है, जो हम यहाँ पे टर्न सेट करेंगे ऊपर हमारा काउंट करके बतलाएगा। नीचे वाला जो हमारा है इसको हम सेट कर देंगे, नीचे वाले डिस्प्ले में 50 हमारा सेट है, तो चालू करेंगे तो 50 पे आके जो ये हमारा मशीन है ऊपर वाला काउंटर जो मीटर है यहाँ पे शो करेगा, 50 टर्न आएगा तो ये ऑटोमेटिक मशीन बंद हो जाएगा। इस मोटर में पावर मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि रिसेट का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा ऊपर वाला काउंटर मीटर है रिसेट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे हमारा यहाँ पे देखेंगे तो ये रिसेट हो चुका है। यहाँ पे टोटल का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि 1022 टोटल अभी तक 1022 टर्न कर चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम 00 कर देते हैं। अब नीचे यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारा स्टॉप का बटन है जो रेड कलर का है, स्टॉप का बटन है। ठीक है दोस्तों, इससे आप मशीन को स्टॉप कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। ठीक है, यानी बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो हमारा बटन है स्टार्ट का बटन है, इससे आप मोटर को चालू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डिजिटल वोल्ट मीटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों 200 प्लस ही हमारा वोल्टेज है, यहाँ पे डिस्प्ले पे शो नहीं कर रहा है मोबाइल के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो दिन में शूट हो रही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक रेड कलर का बटन है, अगर आप पैडल से नहीं चलाना चाहते हैं तो इस बटन को दबा के इस मशीन को आप चला सकते हैं, बाइंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दूसरा रेड कलर का जो बटन है स्टॉप का बटन है, और ये हमारा स्टार्ट का बटन है ऊपर छोटा वाला, और ये बीच वाला जो है हमारा स्टार्ट का बटन है। अगर ऊपर वाला नहीं काम करता है तो नीचे वाला से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हम टर्न सेट करते हैं इसमें हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से पुश करेंगे, यहाँ पे माइनस वाली यहाँ पे जो बटन है इस तरह पुश करेंगे तो ये जो हमारा जो टर्न हमने सेट किया है घटता जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम 0 कर दिए हैं। अगर दोस्तों इसे हमें सेट करना हो, जितना हमें टर्न पे सेट करना हो, तो इस तरह से पॉजिटिव वाले बटन पे यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जितना हमें टर्न सेट करना है आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल हमारा 9 प्रोग्राम दिया हुआ है, देख सकते हैं। इस तरह से हम प्रेस करके देख लेंगे, 9 प्रोग्राम हमने दिया है। पहले वाला भी हमने यहाँ पे सेट कर लिया है 52 टर्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों इस मशीन को हम चालू करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा पैंडल है, इस पैंडल की मदद से इस मशीन को हम चालू करके आप लोगों को दिखलाएंगे किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको चालू करते हैं। चालू करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा स्टार्ट का बटन है यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो मोटर जहाँ पे हमारा लिखा हुआ है वहाँ पे एक छोटा इंडिकेटर लगा हुआ है, वो ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तब ही आपका मोटर चलेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो मोटर है चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। तो पैंडल की मदद से किस तरह से इसे चलाया जाता है आपने देख लिया। अब उसके बाद दोस्तों इसे हम रिसेट कर देते हैं 00। ऊपर देख सकते हैं काउंटर मीटर हमारा 00 हो गया, नीचे हमारा जितना सेट है पहले से किया गया उतना ही है। उसके बाद ये जो पैंडल है इसको साइड में रखते हैं। उसके दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे, मोटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मोटर का हमारा इंडिकेटर ऑन हो चुका है। उसके बाद ये बटन जो है इसे दाब के आप चला सकते हैं, देख सकते हैं हमारा 52 या 53 टर्न हुआ है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो ये बाइंडिंग मशीन है ये ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच वाला जो हमारा ग्रीन वाला बटन है बड़ा वाला, यहाँ पर सबसे पहले इसे हम रिसेट कर देते हैं। देख सकते हैं रिसेट हमने कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये वाला जो बटन है स्टार्ट का नहीं दबाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा छोटा वाला जो स्टार्ट का बटन है ये अगर काम नहीं करता है, तो ये ग्रीन वाला बटन हम यहाँ दबा के मोटर को स्टार्ट यहाँ पे देख सकते हैं कर लिए हैं, यहाँ पे इंडिकेटर शो कर रहा है। उसके बाद ये वाला जो बटन है दबाएंगे तो हमारा मोटर चलेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं टर्न कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक ये हमारा मोटर बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपने समझ लिया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो बटन है इससे हम आपको क्या काम है आपको बतलाएंगे। ये हमारा स्टॉप का बटन है, ऊपर देख सकते हैं छोटा रेड वाला स्टॉप का बटन है, और ये